हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी से रिलेटेड आरआरबी सीबीटी 2 की कट ऑफ के बारे में। देखिए, हम पहले देख लेते हैं कि उसके अंदर वैकेंसी कितनी थी और फॉर्म कितने फिलअप हुए थे। तो उसके अंदर वैकेंसी थी 13,487 वैकेंसी थी आपकी, और इसके लिए जो सीबीटी 1 में फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे लगभग 22 लाख के आसपास आपके फॉर्म भरे गए थे। सीबीटी 2 में जो कैंडिडेट गए हैं वो पोस्ट के 15 गुना कैंडिडेट गए हैं, और सीबीटी 1 की कट ऑफ जैसा कि हमको पता ही है सर, हाई बता रहे हैं तो बहुत हाई गई थी। और सीबीटी 2 के अंदर जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे वो पोस्ट के 1.5 टाइम्स ऑफ पोस्ट के लिए जाएंगे। लगभग 2,230 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। हम देखते हैं एसएससी के अकॉर्डिंग आरआरबी जेई सीबीटी 2 की कट ऑफ के बारे में। तो मैंने ये कुछ डाटा इकट्ठा किया है, ये है एसएससी जूनियर इंजीनियर 2017-18 की कट ऑफ टायर फर्स्ट की। आपको पता है सबको कि एसएससी जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम होता है वो दो भागों में होता है, दो टायर्स में होता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो एसएससी का पहला पेपर होता है ये 200 नंबर का होता है, और इसके अंदर यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ओएच और एचएच की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 58%, 55%, 50%, 52%, 45% एंड 30%। ये बगल में इसके नंबर भी लिखे हुए हैं। ये थी सिर्फ सिविल की। अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की थोड़ी सी हाई गई थी, 68% यूआर की गई थी और 66% ओबीसी की, 60% एसटी की, 57% एसटी की और 56% ओएच की और एचएच की गई थी 41%। तो अगर हम बात करते हैं टायर टू की, तो टायर टू में कंबाइंड उन्होंने लिस्ट दी थी कि किसके कितने नंबर आए हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो यूआर थे उनके 240, लगभग 500 में से, आपको पता है कि जो पेपर होता है वो 200 टायर फर्स्ट और 300 टायर टू, जब जाके 500 बनते हैं। आपको पता है कि यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी ये कैटेगरी है, और ये गई थी कि 500 में से 48% लगभग 49% ही गई थी, और एससी की गई थी 44%, एसटी की 45% और ओएच की 46% और एचएच की 30%। इलेक्ट्रिकल की आप देख लीजिए, वैसे ही यूआर की गई थी 60% और ओबीसी की गई थी 59%, एससी की 53% और एसटी की 53%, ओएच की 59% और एचएच की 32%। अब हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी टायर टू के बारे में। टायर टू की जो कट ऑफ गई थी 300 में से, वो सिविल इंजीनियर की 42%, ओबीसी की 44% और एससी की 39%। देखिए आप कितना डिफरेंस आया है। टायर फर्स्ट में जो कट ऑफ गई थी यूआर के लिए वो 58% गई थी, और टायर टू में अगर सिंपली हम देखे जाएँ तो 58 से डायरेक्ट कम होकर 42% आ गई, यानी कि लगभग आप देखें तो 16% का डिक्रीमेंट हुआ है। वहीं अगर इलेक्ट्रिकल में देखें तो टायर फर्स्ट में 68% कट ऑफ गई थी 200 में से, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो टायर सेकंड में 300 मार्क्स का जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कट ऑफ गई थी वो थी 55%, लगभग 13% का डिफरेंस है यहाँ पर। लगभग सभी में डिफरेंस है, यानी कि जो सेकंड पेपर की कट ऑफ जो गई है वो पहले पेपर की कट ऑफ से कम गई है, ये बताया जा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर में जो पोस्ट थी वो 341 पोस्ट थी, और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे वो 10,41,600 कुछ भरे गए थे, और अपीयर कैंडिडेट जो देने गए थे वो 5,69,000, ये थोड़ा गलत हो गया मेरे से, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ये 5,69,953 बच्चे जो अपीयर हुए थे कैंडिडेट हुआ है,
लगभग लगभग एक पोस्ट पर 16,715 कैंडिडेट थे। यानी कि देखो कंपटीशन कितना हाई था। आरआरबी में तो कुछ भी कंपटीशन नहीं है इस हिसाब से। पोस्ट में, पोस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ये 15 गुना बच्चे भी CBT 2 में पास करते हैं, अपने पेपर सेकंड में पास करते हैं जो ये बोलते हैं, तो 5,115 कैंडिडेट पास करते हैं। अगर 20 गुना लेंगे अपनी पोस्ट का तो 6,820 कैंडिडेट पास करेंगे। यानी कि अब ये देख लीजिए कि SSC JEE का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है RRB जूनियर इंजीनियर से। अब हम देखते हैं RRB जूनियर इंजीनियर CBT फर्स्ट की कट ऑफ क्वालिफिकेशन। जो मार्क्स रखे गए थे मिनिमम, वो UR के लिए 40, OBC के लिए 30, SC के लिए 30 और ST के लिए 25। 100 मार्क्स का था तो लगभग 40 का 40, 30 का 30, 25 का 25 ही हो गया। कट ऑफ जो गई थी हमारी पेपर फर्स्ट के लिए वो UR के लिए 60 से 70, OBC के लिए 55 से 65 और SC के लिए 45 से 55 मार्क्स, और ST के लिए गई थी 40 से 50 मार्क्स। अब देख लेते हैं CBT 2 की कट ऑफ क्या जाने वाली है। सब कह रहे हैं कि 100 जाएगी, 200 जाएगी, 105 जाएगी, ये है वो है। तो आप खुद इंजीनियर हैं, आपको समझना चाहिए कि दूसरे पेपर की कट ऑफ भी अगर 70-75-80% तक जाने लग गई तो वैकेंसी क्या होगा। और वैकेंसी भी कोई कम नहीं। SSC में तो मैंने आपको बताया कि SSC में तो सिर्फ और सिर्फ 341 वैकेंसी थी, और यहाँ पे तो हमारी 14,000 वैकेंसी है, 14,000 के लगभग वैकेंसी है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कट ऑफ क्या जाने वाली है। UR, OBC, SC, ST हमारी कैटेगरी हैं। जो इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल की है ये हम, मैं मानता हूँ कि हाँ ये थोड़ी हाई जाएगी। इसमें हो सकता है कि 60-70% के बीच में और 55-65% के बीच में OBC, और SC जो जाएगी वो 45-55% के बीच में जा सकती है। ST 40-50% के बीच में जा सकती है। सभी जोन्स की जो हैं, 17 जोन हैं या 21 जोन हैं, सभी जोनों की जो कट ऑफ है वो 10% के अंदर ही लाई करेगी। 10% के अंदर ही, या तो किसी की कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, लेकिन इन 10% के अंदर ही लाई करेगी, इनसे बाहर नहीं जाएगी। सिविल इंजीनियर की जैसे कि आपको पता है पोस्ट ज़्यादा है तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। UR के लिए 55-65% के अंदर, ये नॉर्मलाइज मार्क्स भी हैं और ये रो मार्क्स भी हैं, इसी इन्हीं 10% के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि रो मार्क्स भी और आपके नॉर्मलाइज मार्क्स भी। क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स ये नहीं कि आपके 50 मार्क्स बढ़ जाएंगे या आपके 20% बढ़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। OBC के लिए 50-60% रखा गया है, यानी कि नंबर में देखें तो 75-90%, और SC के लिए 40-50% रखा गया CBT 2 के लिए, एक एक्सेप्टेड कट ऑफ है जहाँ तक मुझे लगता है। और ST के लिए 35-45%, 52.50-67.5 नंबर्स जो लाएगा वो CBT 2 में क्लियर हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। DV के लिए जो कैंडिडेट लिए जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो 2,280 लिए जाने हैं, लगभग 20,000 के आसपास लिए जाने हैं। जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है उसका लगभग 1.5 टाइम्स। और देखिए फ्रेंड, मैं आपको दैनिक जागरण की कटिंग दिखाता हूँ, उसके अंदर कट ऑफ के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए। और ये है मेरे चैनल का नाम। कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।